बच्चों आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग नोट्स बनाना, अच्छे से नोट्स लिखना। मैं किसी से भी कभी भी नोट्स का फोटो कॉपी सॉरी फोटो मांग सकता हूँ कि फोटो खींच के भेजो। बच्चों यहाँ भी पढ़ाने का जो तरीका यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन। दूसरा क्या होगा बच्चों, हाउ टू इंटीग्रेट। एंड तीसरा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में थोड़ा सा देखेंगे और बहुत सारी चीजें, पूरा फिजिक्स में तो इसका एप्लीकेशन आएगा ही आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। व्हाट इज डिफरेंशिएशन पे कुछ टाइम देंगे, है ना, आज ये कंप्लीट कर लेंगे। हाउ टू इंटीग्रेट बेसिक बेसिक चीजें यहाँ भी डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस किस पे देना है, हाउ टू इंटीग्रेट और एप्लीकेशंस पार्ट, और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और फिर भी बता रहा हूँ, इंटीग्रेशंस हम लोग बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है, बट स्टिल इतना पढ़ेंगे कि फिजिक्स में जितना यूज होगा उससे ज्यादा ही करेंगे। और जब तुम्हारा मैथ स्टार्ट भी होगा तो ये तुम्हें हेल्प करेगा, है ना। और सीईटी लेवल जेई मेन लेवल के तो इंटीग्रेशन भी यहाँ पे सीख लेंगे। सो सबसे पहले बच्चों व्हाट इज इंटीग्रेशन। किसी को कोई आइडिया है क्या है ये? बहुत बढ़िया। बच्चों व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो इसका दो पॉइंट ऑफ व्यू है और दोनों में डिस्कस कर देता हूं। एक पॉइंट ऑफ व्यू, इंटीग्रेट करना दैट मीन्स ऐड करना, एडिशन, ए वे ऑफ एडिशन। इंटीग्रेट करना है ना, किसी भी चीज को ऐड करना, जोड़ना। जैसे कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे इंडिया को एक इंटीग्रेशन इंटीग्रेट किया, सबको जोड़ दिया जो अलग अलग थे। तो बहुत जगह पे नॉर्मल भी लैंग्वेज में हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ऐसे इस टाइप की चीजें यूज करते हैं। तो दिस इज एडिशन, है ना। अब कब इस टाइप का एडिशन यूज होगा वो हम लोग देखेंगे। तो सर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज, जो तुम लोगों ने अभी कुछ बच्चों ने बताया शायद कहीं से पढ़ा होगा, दैट इज दिस इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है, या इसी को ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज एंटी डेरिवेटिव्स। सारे बच्चे नोट डाउन भी करेंगे, ना लिखते जाओ इसको। चलो बच्चों तो लिख लिया होगा, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैथमेटिक्स में ज्यादा जोड़ दिया जाता है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है समझो, मतलब ये बहुत जगह पे हेल्प करेगा कि हाउ टू इंटीग्रेट, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट में हेल्प करेगा। और वे ऑफ एडिशन है, ये तुम्हें हेल्प करेगा, फिजिक्स में इसका यूज है, एप्लीकेशंस पार्ट में ये ज्यादा जरूरी है ना। तो फिजिक्स में ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग स्टार्ट इसी से कर रहे हैं, फिर इसको भी देखेंगे। और ये ज्यादा नहीं भी समझ में आए तो डोंट वरी, सिर्फ याद कर लो कि दिस इज ए वे ऑफ एडिशन, ऐड करने का एक तरीका है। तो मैं बच्चों दूसरे पेज पे जा रहा हूं और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ इंटीग्रेशन कैसे आता है और कैसे हम कहेंगे कि ये एडिशन का एक तरीका है। बच्चों मैं एक ग्राफ ले रहा हूं, रेड कलर से ग्राफ दिखाया, वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है बच्चों। दिस इज द कर्व,
रेड कलर से, और ये पॉइंट सपोज x1 है और ये सपोज x2 है, ये डिस्टेंस है सपोज y1 है ना, x1 पे y का वैल्यू y1 है। बच्चों मुझे ना ये एरिया चाहिए, ये पूरा एरिया चाहिए, ओके। और मैं कहूं तुझे कि रफ अप्रोक्सीमेशन करना है बच्चों, एक रफ अप्रोक्सीमेशन करना है कि व्हाट इज द टोटल एरिया। कोई बच्चा कहेगा अच्छा सर रफ अप्रोक्सीमेशन करना है, देखो कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत लेजी होते हैं, वो क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हो गया, इसको ना x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख लेता हूं, या x2 माइनस x1 ले लेता हूं, वो क्या करेंगे ऐसे डिवाइड कर देंगे, ऐसे ये वाला एरिया बता देंगे, क्या बताएंगे y1 इंटू x2 माइनस x1 में डेल्टा x। बताओ उन्होंने कितना एरिया छोड़ दिया बच्चों, ये वाला पूरा एरिया दिख रहा है, हाँ ये ट्रायंगल नहीं है मतलब कर्व्ड टाइप का है, आर्बिट्रेरी है, कर्व्ड है, इतना पार्ट ट्रायंगल वाला छूट गया जो तुम्हारे अकॉर्डिंगली, ये सबसे लेजी बच्चा है। कोई बच्चा सोचा नहीं यार सर ने कहा अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा सा मेहनत करता है, उसने इसको क्या कर दिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो निकालेगा दिस डिस्टेंस जो अभी रेड से मार्क किया वाई वन इंटू दिस डिस्टेंस और वाई टू ये इंटू दिस डिस्टेंस, मतलब उसने इतना एरिया बताया बच्चों, इसका अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बेटर है पहले लेजी वाला बच्चा से, है कि नहीं, इसने जो एरर किया होगा, इसने जो एरिया छोड़ा वो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छोड़ा, तो इसने क्या किया पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा सा और सिंसियर बच्चा आया, इससे भी थोड़ा सिंसियर, इससे भी थोड़ा सिंसियर आया, इसने इसको क्या किया चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, सो y1 into this, y2 into this, y3 into this, y4 into this, ऐसे कुछ कर लिया। अब इसने जो एरिया है इसने थोड़ा कम छोड़ा, आ रही बात समझ में? Yes, sir. बच्चों मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ है ना, मैं फिर से यही डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है यहाँ पे बच्चों। ये एरिया हमें निकालना था बीच का y वर्सेस x में, तो इसमें क्या किया बहुत सारे डिविजन्स कर दिए, बहुत सारे n नंबर ऑफ डिविजन्स कर दिया, और एक डिविजन का वैल्यू डेल्टा एक्स है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एन है ना। तो उस केस में क्या करेगा वाई वन इंटू दिस वाई टू इंटू दिस ऐसे करते जाएगा, ठीक है। तो सारे स्ट्रिप, बहुत सारे स्ट्रिप बनेंगे बच्चों, कितने स्ट्रिप बनेंगे N. बहुत बढ़िया, तो एप्रोक्सीमेट एरिया होगा या एक्यूरेट एक्चुअल एरिया होगा बच्चों? एप्रोक्सीमेट बता रहे हैं जो हम लिख रहे हैं बच्चों, एप्रोक्सीमेट एरिया जो हो जाएगा, एक बच्चा जो बहुत सिंसियर है उसने दो नहीं चार नहीं एन डिविजन्स किया है एन, तो कहेगा सर वाई वन और एक डिविजन का वैल्यू है डेल्टा एक्स, तो वाई वन इंटू डेल्टा एक्स प्लस दूसरा डिविजन y2 into delta x plus 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 yn into delta x, am I right बच्चों? Yes sir. Yes sir. अब ये जो डॉट डॉट इतना लिखा ना, इतना सारा y1 y2 y3, इसको शॉर्ट में एक लिखने का तरीका है, सिंबल है,
दिस इज कॉल्ड समेशन, सिंबल ऑफ समेशन. कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे. तो बच्चों समेशन का सिंबल है, ये है वाई आई और डेल्टा एक्स तो सब में है, तो डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया. और आई का मतलब हुआ, आई कुछ भी हो सकता है, वन टू थ्री फोर. तो आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन. सो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन दिस वे. क्या कोई बच्चा है जिसको ये पहले से पता था समेशन? यस सर, ये स्टैटिस्टिक्स में था. हाँ स्टैटिस्टिक्स में. यस सर, पिछले साल था. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और जिनको नहीं भी पता है सो डोंट वरी, अभी सीख लिए, देख लिए. सर आई तो कुछ भी दे सकता, तो आई इज इक्वल टू 1 क्यों लिया है? आई इज इक्वल टू 1 नहीं लिया है, आई वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर के n. इसको बोलते हैं लिमिट. पहला 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है. वाई आई मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, और या इसको ऐसे शॉर्ट में कर सकते हैं. मतलब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया लिखने का. इसको एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा, इसको कंप्रेस करोगे तो ऐसे लिख दोगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है ना. अब बच्चों एप्रोक्सीमेशन, जो एप्रोक्सीमेट एरिया लिखा है, अगर पहला बच्चा है जिसने दो ही डिविजन किया, एक ही डिविजन किया, तो उसका तो यह बड़ा गड़बड़ आ जाएगा. दूसरा बच्चा थोड़ा सिंसियर था, तीसरा बच्चा और सिंसियर है ना. जो गर्ल्स होती है ज्यादा सिंसियर होती है, तो गर्ल्स 10-15 डिविजन्स करेंगे और वो बताएगी. तो जितना नंबर ऑफ डिविजन्स बढ़ाओगे बच्चों, अप्रोक्सीमेट एरिया एक्चुअल एरिया को टेंड करेगा. आ रही बात समझ में? यस सर. तो डिफरेंस होगा yes, दोनों का, वो डिफरेंस बहुत कम होते जाएगा. अप्रोक्सीमेट एरिया और एक्चुअल एरिया का डिफरेंस कब? When we increase number of divisions. बहुत बढ़िया बच्चों. Number of division increase करना n क्या करते हैं, बहुत बड़ा करते हैं, मतलब n tends to infinity, है ना. तो delta x क्या होगा? Delta x tends to infinity या delta x tends to zero? Sir, delta x tends to zero. बहुत zero. तो बच्चों अगर हम बहुत ज्यादा डिविजन से लिए, मेनी डिविजन, कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन. तो ये जो स्ट्रिप का जो विड्थ है, ये जो डिविजन का विड्थ है, ये वाला, ये बहुत छोटा हो जाएगा. और जब बहुत छोटा होता है तो डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं? तो बच्चों अगर हम नंबर ऑफ डिविजन बहुत ज्यादा लेंगे तो हमारा जो एरिया है वो एक्चुअल एरिया के आस पर पहुंच जाएगा. तो उसी चीज को कैसे लिखेंगे बच्चों? आई इज इक्वल टू वन से एन वाई आई डेल्टा एक्स. इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो. तो ये बच्चों ये अप्रोक्सीमेट एरिया था, और ये क्या हो जाएगा जब इनफाइनाइट कर देंगे? एप्रोक्सीमेट नहीं, एक्चुअल हो जाएगा. डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्चुअल एरिया. आई बात समझ में? सर एक्चुअल एरिया में आई इज इक्वल टू एन लिया ना? आई इज इक्वल टू एन ने लिया. आई वेरीज फ्रॉम वन से एन तक, एन इनफिनिटी तक. सर फिर से बताना. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब होगा. हाँ बोलो सर. वो डायग्राम बनाने हिमांशु क्या डाउट आया? सर ग्राफ बनाने. बोलो सर. ग्राफ बनाना है क्या? हाँ बनाना है. पहले अभी अभी ये समझो कि आई क्या है. कुछ बच्चों कंफ्यूजन है. व्हाट इज आई? आई जिंदल है यार, जिसे मैं कहता हूँ बच्चों. तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक को बोल रहा हूँ क्या? जयवर्धन को सिर्फ बोल रहा हूँ क्या? तो ये हो गया. अब मैं कहूंगा जयवर्धन बता क्या होगा, तो एक बच्चे को बता वाई टू वाई थ्री वाई फोर. तो मैं बोलता हूँ बच्चों समझ में आया, तो ये आई है बच्चों वाला. देखो एक अलग से एग्जाम्पल लिया. दैट मीन्स एनी. तो आई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? आई कुड बी वन टू एन, कोई भी हो सकता है.
मैं तुमसे पूछता हूँ, किसी को डाउट है क्या, डाउट पूछो, तो क्या कोई एक पर्टिकुलर बच्चे को बोल रहा हूँ? नहीं, वो भी पूछ सकता है इस बैच में। बच्चों आई का मतलब क्लियर हुआ? यस सर। अगर n इंफिनिटी है तो डेल्टा x जीरो कैसे हो जाएगा? ये किसने पूछा है, थोड़ा नाम बताओ, थोड़ी डांट लगेगी। मानस बागुल? नो सर, मैंने नहीं पूछा है, मेरे को डाउट था, दूसरा राइट डाउट लेता पहले पूछ। और शर्माना नहीं यार, मतलब मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि कैसे मैं समझाऊं। चलो, अगर n इन्फिनिटी हुआ तो डेल्टा x जीरो कैसे होगा बच्चों? ये तो मैं भी भूल गया, कौन हेल्प करेगा? एनीवन? सर कह रहे, हाँ बताओ। चलिए कहना है सर, y, अब देखो y, y1 और y, y1 और y2 के बीच में इनफाइनाइट डिवीजन है, तो अब एरिया के हिसाब से अगर ये नंबर हमारा बढ़ता है तो हमें डिविजन्स कम करनी पड़ेगी, नहीं तो इनफाइनाइट डिविजन्स कैसे आएंगे सर? दो चीजें देखो, उसने कहा कि इतने ही को 10 बार में डिवाइड किया तो ये कुछ एरिया आया, इसको 20 में करेंगे तो बच्चों ये हाफ हो जाएगा कि नहीं, छोटा छोटा हो जाएगा कि नहीं? तो जैसे नंबर ऑफ डिविजन एन बढ़ाते जाओगे, दिस डिविजन विल बिकम्स स्मॉलर, है ना? अब बताओ, मान लो तुम्हारे पास घर में एक एप्पल है और मान लो दो बच्चे हैं, बच्चों आधा आधा कट करके दे दिया, अब तुम्हारे गेस्ट आ गए दो और अब चार बच्चे हो गए, अब उस एप्पल को कट करना है, कितना हिस्सा मिलेगा बच्चों? One fourth. कभी कभी मंदिर में जाते हो जहां पे एक एप्पल किसी ने चढ़ाया और बहुत सारे खाने वाले होते हैं प्रसाद, तो क्या करते हैं उसको टुकड़ी टुकड़ी काटते, कितना मिलता है? थोड़ा थोड़ा मिलता है ना, समझ में आया? जितना नंबर ऑफ डिविजन बढ़ाओगे, एन बढ़ाओगे, तो ये जो गैप है बहुत छोटा होगा। और सहेल ने बहुत अच्छा से बताया कि सर ये जो डेल्टा एक्स होगा वो क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन डिवाइड बाई एन, तो समथिंग बाई बहुत बड़ा नंबर क्या होगा, बहुत छोटा नंबर होगा। एन टेंस टू इन्फिनिटी तो दिस टेंस टू जीरो, वन बाई इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। सर हाँ बोलो अभी चीज। अगर x जीरो जाएगा जो y x जीरो नहीं कर रहे, 2D फिगर हो जाएगा, x जीरो नहीं कर रहे, x नहीं जीरो कर रहे, क्या कर रहे, चेंज इन x जीरो, डेल्टा x जीरो, बहुत बढ़िया जयदीप सर। यस सर बोलो सर, एक बार ग्राफ दिखाओ ना, डाउट है। बोलो। सर तो फिर जो पहली डिवीजन है उसमें एक... सर फिर जो पहली डिवीजन जो आपने बनाई है सर, तो उसमें आपने ऊपर एक ट्रायंगल है, वो आपने बनाया है, ट्रायंगल आ रहा है सर, तो फिर वो एरिया कैलकुलेट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना वो ट्रायंगल वाला एरिया कैलकुलेट सर, तो फिर उसको भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। मैं बता रहा हूँ ना, जितना ज्यादा नंबर ऑफ डिविजन्स लोगे तो वो ट्रायंगल वाला एरिया उतना कम छूटेगा। अगर तुम 10 15 20 करोगे तो कुछ होगा, लेकिन जब इनफाइनाइट करोगे तो ये एरिया छूटेगा ही नहीं, समझ में आना है? कितने डिविजन्स कर रहे हो? एकदम पास पास, एकदम पास पास, ठीक है ना? तो ये यही कैलकुलस है बच्चों, कैलकुलस समझो। अब पिछला बार में भी क्या किया था, dx कैसे लिखा था, बहुत छोटा, डेल्टा x टेंस टू जीरो, बहुत छोटा, कितना छोटा, जितना छोटा सोच सकते हो उससे भी छोटा, बट नॉट जीरो, दिस इज कॉल्ड कैलकुलस। तो बच्चों मैं अभी क्या कर रहा था, देखना है कैलकुलस में कैसे शिफ्ट करते हैं, डोंट वरी बच्चों, आगे मजा आएगा, जैसे डिफ्रेंसिएशन में तुम लोगों ने इंजॉय किया होगा। बच्चों इंजॉय किया था डिफ्रेंसिएशन? डरावना लग रहा है, बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं ये क्या है, है ना?
बच्चों मैं इसको आसान कर देता हूँ, इतना बड़ा लिखना लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो फिर समेशन, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चों थोड़ा सा क्या करता हूँ मैं इसको ना सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। देखो ऐसे ऐसे है ना समेशन का साइन, इसको बड़ा सिंपल सा देता हूँ ऐसा साइन, कितना सिंपल सा दे दिया है ना, ये जो टेढ़ा मेढ़ा था उसको बहुत स्मूथ बना दिया, चलेगा। वाई आई क्या है, कोई भी आई, वन टू थ्री फोर, जनरल आई, तो जनरल आई को क्या लिख लेते हैं वाई। और बच्चों डेल्टा एक्स तो बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो है, तो ये पूरा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो को क्या लिख लेंगे dx. और आई इज इक्वल टू वन से एन तक है, तो आई शुरुआत में कुछ है, सपोज इनिशियली एक्स वन है एक्स और बाद में एक्स टू है, तो देखो यही हो गया एक्चुअल एरिया बच्चों। और इसी चीज को, यही था, इसी को हमने सिंपल में, देखो कितना सिंपल में बना दिया तुम्हारे लिए, इसी को बच्चों बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये साइन जो है ना स्मूथ सारा प्यारा सा साइन, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। बच्चों हमने कैलकुलस में इन कर, इंटीग्रेशन में इन कर गए, इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स लिखेंगे, किसका वाई का। क्लियर, सिंपली क्या गया फाइंड डी ए, तो इसका कोई सेंस नहीं है बच्चों, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड कुछ तो दिया रहेगा, अब सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो एक डाउट है। हाँ बोलो सर, वो जो आपने x1 और x2 लिया वो मुझे नहीं समझा, मतलब वो कैसे लिया? हाँ जैसे यहाँ पे लिखा ना कि कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, देखो i इज इक्वल टू 1 से n तक, तो जो हमारा वेरिएशन है, वेरिएशन वहां यहाँ से लेकर के यहाँ तक कर रहे हैं, तो इसमें मैं लिख दिया x, सपोज यहाँ पे कुछ है x, कुछ भी लिख दिया सपोज x1, यहाँ पे सपोज लिख दिया x2, तो जहां से जहां के बीच का एरिया कहना है, अगर यहाँ से कहना है तो यहाँ से लेंगे लिमिट, दिस इज कॉल्ड लिमिट। आई बात समझ में? यस सर। तो एरिया निकालना, वो एरिया कहां से कहां तक कर्व के अंदर कर लेंगे, तो एक लिमिट तो देना पड़ेगा ना सर। सर फिर वो हम x1 से x raised to n भी लिख सकते हैं ना? वो x raised to n नहीं था, xn कह सकते हो, मैंने x2 लिख सकते हो, मतलब n डिवीजन है, तो जो भी पॉइंट यहाँ पे जो नाम दिया बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट x1, ये जो पॉइंट नाम दिया वो, समझा क्या? x1 है 15 है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, x इक्वल टू 5 से लेकर के 5 to 15। समझ में आई बात? एरिया कहाँ से कहाँ निकालना है, मान लो कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ, ऐसा कोई ग्राफ कहेगा बच्चों की एरिया निकालो x इक्वल टू 2 से लेकर के x इक्वल टू 5 तक, है ना, 2 to 5 वो कहेगा नहीं, 2 to 5 x इक्वल टू 2 to 7 तक निकालना है, तो 2 to 7 तक, ये पूरा एरिया 7 तक का कह रहा है सर। जो नीचे मतलब x1 हमेशा लोअर लिमिट होता है, x1 को बोलते हैं x1 की जगह पे, स्टार्टिंग से कहां से कर रहे हैं तो वो लोअर लिमिट हो गया, और दूसरा हो जाएगा अपर लिमिट। लोअर लिमिट नीचे ही लिखते हैं क्या? हाँ लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं, ठीक है सर। सर आपने कॉर्नर में जो लिखा है वो फिर से एक्सप्लेन कर देना। कॉर्नर में कहां लिखा बच्चों? सर वो इंटीग्रल साइन है अपॉन वो तनिष्क, ये वाला ना, ये वाला पार्ट। यस सर। ये कुछ नहीं लिखा, ये क्या लिखा था बच्चों, ये लिखा था कि दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन, तो इंटीग्रेशन के बाद डीएक्स रहेगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे कुछ तो होगा, कुछ होगा y z जो भी, अगर कोई कहे कि फाइंड दिस तो ये गलत है, ये मैंने कहा ये इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कुछ तो देना पड़ेगा,
इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं या विथ रिस्पेक्ट टू जेड कर सकते हैं, कुछ तो देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सर बोलो। सर जब हमें एरिया फाइंड करना होगा दो पॉइंट के बीच में सर, तो फिर x1 कुछ कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ना दो पॉइंट में से x1 जिसको जिसके बीच में सवाल में कहेगा निकालने के लिए वो दो पॉइंट लेंगे, जो पूछा जाएगा करेंगे। इसमें क्यों नहीं सर, मतलब कोई x1 कोई भी पॉइंट ले सकते हैं ना अगर एरिया फाइंड करना हो तो। अरे बाबू जिसको अथर्व पूछ रहा है ना। यस सर। अथर्व मैंने कहा कि जो सवाल में जैसा रिक्वायरमेंट होगा वहां से वहां तक कट करेंगे। ओके सर। कुछ लेकर 5 तक चाहिए तुमसे 5 करोगे, तो मैं 10 से लेकर के 25 तक चाहिए 10 से 25 तक करोगे, 0 से लेकर 5 तक चाहिए जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा करेंगे, है ना? यस सर। चलो ये कोई अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं था सर। तो बच्चों इंटीग्रेशन में अभी हमने क्या देखा, क्या देखा बच्चों कि ये क्या दे रहा है, एरिया अंडर द कर्व। बट हमारा मतलब एरिया अंडर द कर्व बताना नहीं था, मेरा मतलब समझो। एरिया अंडर द कर्व क्या आया, वाई इंटू डी एक्स। सारे बच्चे यहां पे ध्यान से सुनना, जब ये डिविजन्स बहुत ज्यादा कर दिए तो ये डी एक्स डेल्टा एक्स की जगह डी एक्स लिख देंगे, और ये हो गया बच्चों जनरल वाई। तो ये y dx क्या है, व्हाट इज y dx बच्चों? यहाँ पे जो समझा रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना, यही इंपॉर्टेंट चीज है आज के क्लास का मेन चीज। व्हाट इज y dx? y एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दैट, हाँ एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप है ना। ये क्या है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। द स्ट्रिप का मतलब ये पर्टिकुलर एरिया दिखा रहा हूं, मतलब ये पूरा एरिया कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप से बना हुआ है। बच्चों एकदम लैंग्वेज ध्यान सुना, दिस होल एरिया जिसकी बात कर रहे हैं x1 से लेकर के x2 तक में, ये जो पूरा एरिया है दिस इज मेड अप ऑफ मेनी सच स्ट्रिप्स। जैसे कोई कहा जाए कि एक बिल्डिंग जो बना होता है वो क्या होता है, बहुत सारे ईंट से बने होते हैं, बहुत सारे ब्रिक्स से बने होते हैं, है ना? तो उस ब्रिक्स को क्या बोलते हैं, एलिमेंट, जो सबसे छोटा पार्ट है, जैसे जैसे रिपीटेशन से बना है। बच्चों इसी इसको भी बोलेंगे, इस स्ट्रिप को बोलेंगे एलिमेंटल स्ट्रिप। क्या बोलेंगे? तो ये एरिया ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप, बहुत सारे एरिया से बना हुआ है, और टोटल एरिया क्या है, इस टाइप के एरिया का, सारे एरिया का समेशन। समेशन का मतलब इंटीग्रेशन। बच्चों ये जिसको क्लिक कर गया इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट बड़ा अच्छे से करेगा। dx क्या है बच्चों, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। ये पूरा एरिया निकालना, तो ये एक एलिमेंट है, एक छोटा सा पार्ट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्ट को मिला करके ये पूरा एरिया बन रहा है। सारे एरिया निकालना मतलब सारे छोटे छोटे एरिया को ऐड करना है, तो एक जनरल एरिया लिखा और ऐड करना है, मतलब क्या करेंगे उसको, इंटीग्रेट करना। बच्चों इतना ना, इतना जो प्यार से मैं समझा रहा हूं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन, ये कहीं कोई नहीं समझाता बच्चों, दो मिनट में इंटीग्रेशन पढ़ा के निकल जाता है। मैं चाहता हूँ बच्चे एकदम से क्लियर कट कॉन्सेप्ट हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सर बोलो बच्चों। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा, इंटीग्रेशन क्या है। शिवानंद तुम्हारा टाइम हो गया, बहुत देर टाइम दिया। y dx सर, सारे एलिमेंटल स्ट्रिप सेम रहते क्या, अलग अलग होंगे ना, y सबका अलग है, लेकिन इंटीग्रेट दिया मतलब वैसे वैसे जो भी है, ये y जनरल ले लिया, ये y कुछ भी हो सकता है, जनरल स्ट्रिप, इसलिए बोला एलिमेंटल जनरल पार्ट, इसलिए कोई पहला पार्ट नहीं लिया, बीच का कोई भी लिया।
और ये विद द टाइम क्लियर होगा, मैंने बहुत सारा चीज क्लियर कर लिया, 100% समझ में नहीं आएगा अभी भी इसका सेंस, बट जितना समझ में आना चाहिए था उससे ज्यादा समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो रहने दो यार, आगे बढ़ते हैं। जिसे बच्चों एक एग्जांपल बताता हूं, हमने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डीएस बाई डी टी को क्या बोलते हैं बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट कितने निकालते हो, कैसे निकालते हो? वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर। लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो क्या तुम कहोगे कि v इनटू t विल बी द डिस्प्लेसमेंट? नो सर। क्या लोगे, v तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है सर, तो वो काइनेमेटिक। हाँ, जब v हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है बच्चों, तो अभी तुम्हें निकालने नहीं आता है, मैं बताता हूं तुम्हें, अभी नहीं आता है। अगर वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, वो कुछ दिया रहेगा, सर्टेन वे से चेंज हो रहा है, वो दिया रहेगा। तो मान लो मैं बात करता हूं कि किसी टाइम पे वेलोसिटी अभी वी है, और बहुत छोटा सा टाइम, बहुत ही छोटा, मतलब कितना छोटा, डी टी लिखेंगे, तो डी टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो वेलोसिटी तो उस टाइम इंटरवल में तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, बहुत डीटी तो बहुत छोटा है, तो वी डीटी हो जाएगा, है ना? किसी टाइम पे वेलोसिटी अभी वी है, तो बहुत छोटा इंटरवल में क्या हो जाएगा, वी डीटी। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा थोड़ी होगा, डिस्प्लेसमेंट ही बहुत छोटा होगा, क्या होगा, डीएस लिखें, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। हालांकि तुम यही चीज मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता था, डीएस इज इक्वल टू वी डीटी। ओके, अब बच्चों अगर कोई टाइम में जा रहा है, यहां से यहां चला, वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, तो छोटे छोटे इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जो होगा, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंट होते जाएगा, बट जो भी डिस्प्लेसमेंट है, वी नीड टू एड दोज डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे जितने भी डिस्प्लेसमेंट बच्चों, सबको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या है, छोटे छोटे चीजों को जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है जब, तो वैसे चीजों को एड करना। क्या ये बात क्लियरली समझ में आई? Yes, sir. बच्चों व्हाट इज इंटीग्रेशन, हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया ना? Yes, sir. क्या ये सबको, अगर आज पापा तुम्हारे पूछे बेटा क्या पढ़ा, तुम कहोगे इंटीग्रेशन, पूछेंगे क्या है इंटीग्रेशन, क्या बोलोगे? दिस इज ए वे ऑफ समेशन, एडिशन। अब बच्चों तुम कहोगे सर आपने ना एक में लिमिट कुछ पुट किया था, क्या पुट किया था, लिमिट कुछ x1 से x2, इसको बच्चों बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। बच्चों जब लिमिट पुट किया जाता है तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन को बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। परेशान मत होना, बहुत छोटा सा चीज बता रहा हूं, क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और अगर लिमिट नहीं दिया हुआ तो क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। तो देखो अब क्या करेंगे, एक्चुअली हाउ टू इंटीग्रेट में हम लोग इसी पे फोकस करेंगे, और अगर लिमिट दिया हुआ है ना तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सा चीज है। तो पहले हम ये निकालना सीख जाएंगे, तो ये निकालना, लिमिट डाल के निकालना बड़ा आसान है, बहुत ही आसान, ये उतना ही आसान है जिसे मैं कह दूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। ये अगर तुम्हें दिया हुआ कोई पूछ दे कि एफ टू क्या होगा, तो क्या तुम परेशान हो जाओगे? आज कोई बच्चा मुझसे ये सवाल पूछा है,
fx is equal to कुछ दिया हुआ था x divided by x square plus a square to the power 3 by 2, है ना? कहा है कि f a by root 2 क्या होगा? बच्चों कितना छोटा सा सवाल है. Yes sir. पूछा था ना, तो सॉल्व हुआ क्या तुम्हारा? जिसने मैंने नहीं पूछा, ये बहुत इजी है. हाँ, तो जिसने भी पूछा उसको नहीं क्लिक किया, बट मैंने उसको बताया कुछ नहीं करना, x का वैल्यू a बाय रूट टू यहाँ पुट कर देना, a बाय रूट टू डिवाइड बाई x के जगह पे a बाय रूट टू, ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2 काइंड ऑफ थिंग, सॉल्व कर लो. तो बच्चों मेन चीज ये है, मैं ये हटा रहा हूं. सो बच्चों हमारा फोकस कहाँ हो जाएगा अभी? इनडेफिनिट. अगर ये निकाल लिया तो ये तो निकल ही जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस. ये क्लियर? यस सर. कहोगे सर आपने तो शुरुआत में बताया था कि दो पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? और ये बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं इसको, क्योंकि ये मैथ है, मैथ बच्चों को बड़ा मजा आता है. आता है कि नहीं बच्चों? यस सर. Yes, sir. Yes, कहां मजा आएगा? देखो देखते हैं कि कितने बच्चों को अभी, जिनको मैथ बहुत पसंद है, जब फिजिक्स में पढ़ाना शुरू करूंगा तो कितने बच्चों को फिजिक्स पसंद आ जाता है. बच्चों सोच के रखना, मेरा चैलेंज है कि तुम लोगों को फिजिक्स में इंटरेस्ट जगा दूंगा. लग रहा है कि नहीं लग रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो मैथ से रिलेटेड है. इसको हमने कहा दिस इज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा इनवर्स प्रोसेस है. अगर इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं. अगर इफ, यहां थोड़ा समझने में दिक्कत होगा बट एक एग्जांपल लूंगा समझ में आ जाएगा. इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज सम अनदर फंक्शन जी एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर जी एक्स है बच्चों, then gx का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई बताओ जल्दी से. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, यही है इंटीग्रेटिव. मतलब gx का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा, gx का इंटीग्रेशन वो फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन gx है. gx का इंटीग्रेशन वो फंक्शन होगा जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन gx है. इज इट क्लियर बच्चों? यस सर. fx का डिफरेंशिएशन है तो gx आया, तो gx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? fx आएगा. दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, उल्टा है डिफरेंशिएशन का. ठीक है ना सर? मतलब हमें डिफरेंशिएशन बताया, हमें y फाइंड करना. अभी बताते हैं, पहले तो फिर से इस चीज को सुन लो. अगर तुम्हें gx का डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालना है बच्चों, तो अगर तुम्हें कहीं कहीं से पता चल गया कि gx किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, तो जिसका डिफरेंशिएशन वही फंक्शन इंटीग्रेशन आएगा. एंड वी विल टेक एग्जांपल. लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं. तुम कहोगे सर अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इज इट जी एक्स या कुछ अलग? सर एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स तो जीरो हो जाएगा ना. अगर अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो एफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो जी एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ एफ एक्स नहीं, एफ एक्स प्लस सी, क्योंकि एफ एक्स प्लस टू का भी डिफरेंशिएशन है, ये एफ एक्स प्लस थ्री का भी है, एफ एक्स माइनस फाइव का भी है. क्लियर सर? सर
सर तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स ऐसा दिया होगा तो उसे हम क्या अज्यूम करेंगे, उसका आंसर एफ एक्स रहेगा या फिर एफ एक्स प्लस सी रहेगा? अब बोलेंगे एफ एक्स प्लस सी अगर ये इनडेफिनिट है बच्चों, मतलब ये लिमिट नहीं दिया हो तो लास्ट में ये सी डालना है। अभी बताऊंगा कन्वेंशन, सबको याद हो जाता है। बच्चों मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया, एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो इसी पॉइंट पे सर बच्चों अब ये एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद पूछना। बच्चों बताना मुझे कि साइन एक्स का, सॉरी पहले डिफरेंशिएशन लिख देता हूँ, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो तुझे पता है ना? Yes, sir. तो अगर मैं पूछूं बच्चों कि बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बच्चों बताओ क्या होगा? बच्चों ये फॉर्मूला याद हो गया क्या? ये कर लोगे याद कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x plus c? सर प्लस cos क्या? प्लस c, c could be anything, जस्ट एक कन्वेंशन है, लिखना है बस नोटबुक में अच्छा दिखने के लिए, सुंदर सा दिखने के लिए, है ना? कोई ज्यादा रोल नहीं है इसका, क्या रोल रहेगा वो बाद में बताऊंगा, बट लास्ट में जस्ट कोई भी इंटीग्रेशन निकालो बच्चों, इनडेफिनिट है, लिमिट नहीं दिया हुआ, तो फाइनल आंसर में प्लस सी अपने मन से पुट कर देना, दिस इज कन्वेंशन, है ना? आई बात समझ में? सर इस पे एक सम भी दिखाओ ना। अरे यार ये तो सम ही तो है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, ये जानते हो तुम, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा तो क्या होगा साइन एक्स, दिस इज द सम। और सम ले लूं? चलो और सर, यस सर, देखते हैं बच्चों कितने को याद है। डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये क्या होता है बच्चों? अब बच्चों मैंने सवाल दे दिया, अभी जो फ्राइडे का मान लो एग्जाम है और इसमें डायरेक्टली यही सवाल दे दिया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, और ये फंडा tan x plus c, tan x plus c, यार तुम लोग तो ब्रिलियंट हो, मैं बेकार में टेंशन, tan x plus c, tan x plus c, पक्का ना? यस सर, यस सर, यस सर, तुम्हारा 8:15 से ही है ना? यस 8:15 तक क्लास है, 8:15 रखा है ना, मीटिंग भी रखा ना 8:15 से। हाँ सर, और एक है रेजो सर के बारे में बताने वाले कुछ। हाँ वो मैं ही रखा हूँ ना। हाँ सर आप ही रखे हो सर, इसमें कंटिन्यू कर लेना। 10 मिनट पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ये क्लियर, ये वाला सवाल क्लियर हुआ क्या? कैन यू मेक टू फॉर्मूला, थ्री फॉर्मूला बाय योरसेल्फ, डिफरेंशिएशन के पीछे जाओ, डिफरेंशिएशन पलटो, डिफरेंशिएशन तो बहुत सारे निकालो, कॉस एक्स का क्या होता है, तो तीन फॉर्मूला अपने मन से नोटबुक में लिखो, तो जैसे मैंने अभी लिखा है सर, वो ये सर वो लॉन्ग कोई भी, हाँ कोई भी तीन जो तुम अपने मन से बनाओ, मैं किसी से भी पूछूंगा कोई भी डिफरेंशिएशन में, बहुत सारे सवाल सॉल्व किए ना। अरे उतना छोड़ो, मैं तो एक काम करता हूँ ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स टू दी पावर 3, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन 3x2, am I right? तो 3x2 dx, 3x2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³ + c, तो क्या तुम तीन फॉर्मूला नहीं बना सकते ऐसा? Yes, sir. जल्दी से तीन, लेकिन लेकिन बच्चों कुछ कुछ लेजी होंगे, कुछ बच्चे लेजी होंगे, क्या करेंगे x बार 3 लिखेंगे, फिर x बार 4 लिखेंगे, फिर x बार 5 लिखेंगे और मस्ती में बैठ जाएंगे, तो ऐसा लेजी बच्चा नहीं चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा अलग का, थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाओ। सर हमें एग्जाम में डिफरेंशिएशन दिया होता है क्या? अरे नहीं यार, तुझे याद करना है, रट्टा मारना है cos x का इंटीग्रेशन क्या sin x, नहीं सर इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए क्या, फिर से बोलो नितिन।
इंटीग्रल निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन दिया होता है ना? नहीं, दिया नहीं रहता है, तुझे अपने से पता होना फॉर्मूला। मैंने कहा जस्ट कि तीन फॉर्मूला अभी अपने मन से बनाओ, चूंकि डिफरेंशिएशन तूने पढ़ लिया है। जैसे मैंने एक बना दिया एक, और कौन सा बना दिया दो, और कौन सा बना दिया तीन, तीन बनाया ना मैं, वैसे तीन तू बना, देखते हैं कितने बच्चे इनोवेटिव है। जस्ट मस्ती कर रहा हूँ, रफ पेज में बनाना तुम लोग, है ना? चलो बच्चों, बच्चों मुझे तीन फॉर्मूला अपने मन से कुछ बनाया होगा तुम लोगों ने, गुड। मैं अब आगे बढ़ता हूँ और इसका मैं हेल्प लूंगा। बच्चों मैं स्टार्ट करता हूँ, अब हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं। बच्चों मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया हाउ टू इंटीग्रेट वाला पार्ट। और जिसको पिछला समझ में आया नहीं आया डजंट मैटर, ये जरूर कर लेना बच्चों, कुछ कुछ बेसिक सीख लेना, है ना? तो पहला बच्चों सम बेसिक फॉर्मूला, ये रट्टा मार लेना बच्चों। पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, x टू द पावर n dx, है ना बच्चों? ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। x टू द पावर, वहां पे n में क्या होता था? माइनस वन होता था। गेस करो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? प्लस वन होगा बच्चों, वहां पे मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड डिवाइड हो गया कितना, और लास्ट में क्या करेंगे? प्लस सी। सारे फॉर्मूले में मैं भूल जाऊं लेकिन तुम नहीं भूलना, तुम डाल देना। सर प्लस सी लगाना कंपलसरी है क्या? बस लिखना है, तुम्हें मन नहीं करे अगर इंक बचाना है तो बचा लेना, एग्जाम में खाली लिख देना, अपने पेपर पे बचा लेना इंक, ठीक है? चलो, कुछ बच्चे होते हैं बड़ा इंक बचाते हैं, बड़ा दिमाग बचाते हैं, कह रहा मैं कुछ नया नहीं सीखता हूँ, दिमाग भर जाएगा, ऐसे भी बच्चे होते हैं। चलो अच्छा बच्चों बताओ कि यहाँ पे n क्या होगा, व्हाट इज n? पावर। n जो है वो क्या होगा? सिर्फ इंटीजर, कांस्टेंट, इंटीजर या रेशनल नंबर बच्चों? रेशनल नंबर मतलब n क्या क्या हो सकता है? हाफ हो सकता है, टू हो सकता है, फाइव हो सकता है, माइनस थ्री हो सकता है, समझ में आ रहा है? एनी रेशनल नंबर। बट n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, इसमें डिफरेंशिएशन में कोई कंडीशन नहीं था, n एनी रेशनल नंबर लिख दिए थे, बट यहां पे क्या है? n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन के लिए वैलिड नहीं होगा फॉर्मूला बच्चों, क्लियर? यस सर। माइनस वन के लिए नहीं वैलिड होगा, क्योंकि अगर माइनस वन पुट कर दिया बच्चों तो देखो नीचे में क्या हो जाएगा? सर जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये नहीं चलेगा, माइनस वन नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा, ठीक है ना? अब देखो किसी का मन में आया कि सर अगर माइनस वन हुआ तो क्या होगा? माइनस वन का मतलब यही ना, वन बाई एक्स। यार कौन हेल्प करेगा मुझे, 1 by x किसका डिफरेंशिएशन है? कोई हेल्प करो, मैं तो भूल गया। log x, ln of x, ln x, तुम लोग ने पढ़ लिया ln x, बहुत बढ़िया, क्या बात है, खुद से फॉर्मूला डिराइव कर लिया, बहुत बढ़िया बच्चों, एकदम ध्यान से रखना, 1 by x का क्या होगा? ln x, और बाकी x टू द पावर कुछ भी है, कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, अभी का भी याद हो जाना चाहिए। कितने बच्चों को याद हो गया, जल्दी से हाथ उठाओ, कितने बच्चों को याद हो गया, देखते हैं कितने बच्चे हाथ उठाते हैं, क्या बात है? सारे बच्चों का हाथ उठाना पड़ेगा, नहीं तो याद कर लो फटाफट, 40, 41, 42 या 40 पर रुक गया, बाकी बच्चे लगता नहीं बैठे हैं, मतलब 10 बच्चों को क्यों नहीं याद हुआ, फटाफट याद करो बच्चों, 44, अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं, देखते हैं कौन 8 बच्चे हैं, सो रहे होंगे, वो होंगे नहीं यहाँ पे। आर्यन, पूरब, सेजल बाग क्यों नहीं याद है? अभी 47 पहुंचा है। चलो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो बच्चे वहां पे नहीं होंगे,
या उनको हैंड रेज कैसे करते हैं वो नहीं पता होगा। चलो बाकी बच्चों ने प्रॉमिस किया कि याद हो गया। चलो बच्चों तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, चलेगा ना? यस सर। एक्स क्यूब डी एक्स का फटाफट अपने नोटबुक में सॉल्व करो, मैं नहीं बताने वाला। एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? हाँ जल्दी जल्दी सॉल्व करते जाओ फटाफट, मैं क्वेश्चंस लिखूं तुम्हारे नोटबुक में आंसर आ जाना चाहिए। चार सवाल दे रहा हूं, एक दो तीन चार, एक और दे देते हैं बच्चों पांच सवाल, देखते हैं पांच में से कितने होते हैं। मिनिमम तीन सवाल सॉल्व होने चाहिए। जिसने हाथ नहीं उठाए थे उनका नाम भी मुझे याद है, वी कॉल करते हैं उनको। सिर्फ पांच सेकंड बचे हुए हैं, वन टू। करीना ने हाथ उठाया, सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया करीना। तो जैसे हो जाए हाथ उठाओगे। पांच बच्चों ने, तन्मय, विवेक, अंशु राठी, वरद चौठाई, ओम निकम, आर्यन पाठक, जयदीप, पवन भटकर, ओम देवरे, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया। 19 बच्चों ने, 21। अर्पिता निकम, आर्या कनोजी। सर वो फिफ्थ में किसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है? सिर्फ डीएक्स है, अब देखो उसमें क्या करना है। कोई बात नहीं, तीन मिनिमम होना चाहिए बच्चों, तीन। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया। 31, एक्सेलेंट। सर पांचवे का सिर्फ सी होगा क्या? चलो ये पांच मिनट बचा हुआ है हमारा क्लास उसमें होने के लिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ उसको फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना? और बच्चों कितने कितने मार्क्स आए हैं बताना मुझे ईमानदारी से। एक्स क्यू डी एक्स बच्चों, x टू द पावर 3+1/3+4/4 लास्ट में c, नहीं भी जोड़ा c तो चलेगा। मतलब मैं ये क्या लिखूं, रूट एक्स, मतलब एक्स टू द पावर हाफ बच्चों, हाफ प्लस डिवाइड बाय हाफ प्लस वन। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं बच्चों, ये 3/2 हो जाएगा, तो 2/3 इनटू एक्स टू द पावर 3/2 बच्चों। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 इनटू 1+1 एक्स रूट एक्स बच्चों। ये सब सीख सकते हो खुद से, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं लिखा हूं। इसको कैसे सॉल्व करें? थर्ड वन बच्चों, तूने ये आंसर लिखा, ये आंसर लिखा, सही मानना है, ठीक है ना? 1/x²dx मतलब x टू द पावर -2 + 1/-2 + 1 तो ये हो जाएगा बच्चों x टू द पावर -1/-1 दैट इज इक्वल टू -1/x। ये माइनस यहां चला गया, एक्स वन माइनस वन, वन अपॉन एक्स हो गया। ये कौन सा आंसर हो गया बच्चों? थर्ड पार्ट का। ये कौन सा आंसर है? सेकंड पार्ट का। और इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। और बच्चों ये समझ में आ गया होगा एक्स रूट एक्स का किसको लिखना क्या पड़ेगा? अब x रूट x का मतलब ये सारे बच्चों को आना चाहिए, नहीं तो टेंथ में तुम लोग लगता है बहुत मस्ती किए हो अगर नहीं आ रहा है तो। एक्सपोनेंट ये तो फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ाते हैं,
वन प्लस वन बाय टू एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है बच्चों, थ्री बाय टू हो जाएगा बच्चों x टू द पावर थ्री बाय टू प्लस वन डिवाइड बाय थ्री बाय टू प्लस वन। मैं सॉल्व करके लिख लेता हूँ, टू बाय फाइव x टू द पावर फाइव बाय टू। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स, यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ, ये तो दोस्तों से पूछ लेना। लास्ट वन सी तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो यार। एक्स टू द पावर जीरो प्लस वन डिवाइड बाय जीरो प्लस वन दैट इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा बच्चों। So, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x plus c, x plus c, है ना? बच्चों अगर कहीं पे ऐसे रहेगा dz, dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? z, ठीक ना? अब हर बार इतना नहीं, z, dy रहेगा, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, सिर्फ dt रहेगा। तो बच्चों पांच सवाल में कितने सवाल सही सही सॉल्व हुए ईमानदारी से? पांच में पांच वाले हाथ उठाओगे? पांच में पांच करेक्ट। बारह बच्चों ने पांच में पांच, चौदह बच्चों ने, क्या बात है, और भी लगता है करेक्ट तो भर गया। पंद्रह, पंद्रह बच्चों ने, सोलह, सत्रह, पांच में पांच, क्या बात है, तुम लोग ब्रिलियंट हो यार। चलो पांच में से चार, ये पांच वाले हाथ नीचे कर ले सारे, पांच वाले हाथ नीचे कर लें। पांच में से चार, मतलब सिर्फ चार वाले उठाएंगे, पांच वाले नहीं। आदित्य जोशी, पवन, सलील, पच्चीस बच्चों ने पांच में से चार सॉल्व कर लिए, क्या बात है। और पांच में से तीन, सिर्फ तीन वाले, सिर्फ तीन वाले, मिहिर, गोपाल, स्वप्नाली, जयदीप, चार बच्चों ने। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चों कि पांच में मेरा तीन नहीं, मेरा चार, मिहिर का चार है, ठीक है। अगर किसी का नहीं भी हुआ तो डोंट वरी यार, कल सीख लेंगे। अच्छा, इसमें से कोई बच्चा ऐसा है जो सिंसियरली सोचा कि इंटीग्रेशन सर पढ़ाने वाले हैं और सर का पहले से लेक्चर पढ़ा हुआ है, पहले देख लेते हैं, दोबारा समझ में आ जाएगा। इस देर एनी सिंसियर बच्चा है कोई? सर मैंने देखा था पर मेरे को समझ में नहीं आया। विवेक ने देखा और समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हो यार, मैंने ही तो पढ़ाया था, क्यों नहीं समझ में आया? सर पर प्रोनंसिएशन के लिए देखा था तो समझ में नहीं आया। मुझे लगता है बड़ा हेल्पफुल होगा यार, बहुत हेल्पफुल होगा, 90% समझ में आ जाना चाहिए। सर वो मतलब बोर हो रहा था इसलिए छोड़ दिया, फिर अभी अभी मजा आया। अभी नहीं मजा आया सर, जब भी डाउट तब क्लियर होगा तो मजा आता सर। अच्छा हाँ सर, वहाँ पे लाइव डाउट नहीं पूछते आते। अच्छा, एट सेकंड, ठीक है ना, होल्ड। हाँ हाँ मैम।